उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां विकास के नए नए आयाम लिख रही है, वहीं कुछ लोग कार्य के लिए नई सड़क को खोद देते हैं, जिससे आने जाने में तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही लाखों रुपए पानी की तरह बह रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज में कुछ ही महीने पहले बनी मुख्य रोड को सीमेंटेड रोड में बनाया गया था, जिससे आने जाने वाले राहगीर और मरीजों को काफी फायदे होते थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सड़क को केबल डालने के कार्य के लिए खोद दिया गया। लाखों रुपए से बनी सड़क को छोटे छोटे कार्यों के लिए खोदा जा रहा है। सरकार जहां विकास के लिए नए नए कार्य कर रही है, साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में नई नई मशीन और नई तकनीक से इलाज किया जाएगा, उसके बाहर बनाई गई रोड को छोटे छोटे कार्यों के लिए खोदा जा रहा है, जिससे रोड की गुणवत्ता तो खराब हो ही रही है, साथ ही जनता के पैसे जो सरकार टैक्स के रूप में विकास कार्यों के लिए लेती है, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अक्सर सड़कें तो बन जाती हैं और उसके बाद पानी की लाइन, बिजली के तार और ऐसे कई कार्य जो अंडरग्राउंड होते हैं, उन विभागों से परमिशन न लेकर सड़क बना दी जाती है और फिर नई सड़कों को खोद दिया जाता है, जिससे जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि एक देश हमारा प्रगतिशील बने, साथ हमारा प्रदेश भी प्रगतिशील बने, पर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। जब भी यहाँ पर आगरा या कहीं भी देश या प्रदेश में कोई विकास कार्य होता है या फिर रोड बनाई जाती हैं, उनको कुछ ही दिन बाद उखाड़ दिया जाता है। ऐसा ही नज़ारा एसएन मेडिकल कॉलेज में अपने कैमरामैन को दिखाएं। ये अभी कुछ दिन पहले ही इस रोड का निर्माण किया गया, लाखों रुपए इस रोड पे लगाए गए, क्योंकि पहले ये जो पत्थर की रोड नहीं हुआ करती है, सीमेंटेड रोड नहीं हुआ करती थी, पहले ये गिट्टी और जो है गिट्टी और जो तारकोल की सड़क हुआ करती थी, क्योंकि काफ़ी नीचे थी, उसको ऊंचा करने के लिए सीमेंटेड रोड का निर्माण किया गया ताकि यहाँ पर पानी ना बढ़ सके। फिर कुछ ही महीनों बाद इस सड़क को उखाड़ा जा रहा है। लगातार यहाँ पर कोई बताया जा रहा है कि ये पाइप का जो काम है लगातार वहाँ से किया जाएगा, पाइपलाइन कोई डाली जाएगी, क्यों डाली जाएगी, क्या डाली जाएगी, उससे पहले प्लानिंग क्यों नहीं लेगी, और ये वहाँ तक दूसरी साइड तक जहाँ तक सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग है उस साइड में जो गड्ढा हो रखा है, ये वहाँ से लेके वहाँ तक इस पाइप को जो है डाला जाएगा और ये वहाँ की ये पूरा खोदा जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये वो रास्ता है सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के लिए, यहाँ से रास्ता जाता है जहाँ ओपीडी जाते हैं, और दूसरा ये वो रास्ता है जहाँ नॉर्मल ओपीडी के लिए लोग जाते हैं, पर यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। जो कर्मचारी यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि ये क्यों खोदा जा रहा है, उन्होंने बताया कि कोई पाइपलाइन पड़ेगी, पर कौन ठेकेदार है, कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। क्या इनके पास परमिशन है, और है तो वो कहाँ पर है, तो इस बात का भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। कैमरा मनोज के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।